नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट होते हैं तो उनको आप चाहते हो कि भाई यार किसी एक जगह यानी कि सेव करके रखना है, क्योंकि सभी नंबर को एक साथ क्लिक करके यानी कि एक साथ कॉपी करके रखना चाहते हो, लेकिन गाइस वो आप नहीं कर पाते हो। आप बहुत सी बार आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह में यहाँ पर सर्च किया होगा, आपसे बहुत सारा लोगों ने बोला होगा कि आप जो अपने नंबर को जीमेल आईडी के ऊपर सेव करके रख सकते हो, लेकिन गाइस उसके अंदर भी आपको एक एक करके सारे नंबर सेव करने पड़ेंगे। तो उसके लिए गाइस मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आप जो अपने मोबाइल नंबर जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट है, 1000 हो 2000 हो 100 200 जितने भी कॉन्टैक्ट हो उनको आप एक साथ कॉपी करके अपने जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसके अंदर रख सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो उसको आप किसी बंदे को सेंड कर सकते हो, फिर जब अपने स्मार्टफोन का अगर कुछ काम हो जाए तो आप वापस उस नंबर को ले सकते हो। बहुत सी बार क्या होता है कि अपने स्मार्टफोन को जो है आप चाहते हो कि रिस्टार्ट करना पूरी तरीके से, यानी कि सेटिंग्स के अंदर जाके रिसेट करना चाहते हो अपने स्मार्टफोन को, तो उस स्थिति में क्या है आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं आप चाहते हो कि उनको एक साथ कॉपी करके यानी कि अपने जो भी फ्रेंड हो उसको भेज दो ताकि वो जो है दोबारा आपको सेंड कर दे, तो आप ऐसा नहीं कर पाते हो। आपको एक एक नंबर जो है कलेक्ट करके उसे सेंड करना पड़ता है। तो कैसे आज की इस वीडियो में आपको ऐसी कमाल की ट्रिक लेके आऊँ जिसकी मदद से जो है आप सारे जो जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट हो गए उसे आप एक साथ कॉपी करके यानी कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर उसे सेव करके रख सकते हो, और आप एक क्लिक से उसे सारे जो कॉन्टैक्ट है उसके अंदर नाम भी लिखा होगा, उस नाम के साथ आपको मोबाइल नंबर भी वहाँ पर शो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है सुबीर, आप देख रहे टेक्निकल यूट्यूब चैनल, चलो सच वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आपको शायद ही किसी ने इस एप्लीकेशन के बारे में बताया होगा और बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। तो गाइस इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके बाद आपको करना है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने बाद जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो इसमें आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगेंगे, यानी कि कॉन्टैक्ट टू एक्सेस यानी कि जो आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद जो भी आपका कॉन्टैक्ट होगा वो सारे यहाँ पे ये रीड कर लेगा, यानी कि यहाँ पे लोड कर लेगा सारे को। लोड करने के बाद सारे कॉन्टैक्ट जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो तो सारे जो मोबाइल नंबर है आपके यहाँ पे सारे आ चुके हैं, यानी कि सारे टिक होकर आ चुके हैं। अगर आप इसमें से किसी नंबर को चूज़ नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उस पर से टिक को हटा देना है, यानी कि आज जिस नंबर को आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते या आपको ज़रूरी नहीं है उस नंबर की, तो आप उससे यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि जो आपको ये सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ साइड पर, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो आप सामने इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, एक्सेल एक्स, तो आपको यहाँ बहुत सारे PDF, HTML, CSV, तो बहुत सारे ऑप्शन देंगे। तो आपको करना क्या है, TXT का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइस ये बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको आ जाना है बैक, अब आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। जैसे कैसे अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे तो आपको इंटरनल स्टोरेज है उसके अंदर जाना है, SD कार्ड के अंदर नहीं जाना है, इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाना है। जैसे कैसे इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाओगे तो आपको एक फाइल यहाँ पे से ढूंढना है, जो भी कैसे यहाँ पे देख सकते हो अभी यह सेव कॉन्टैक्ट, तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे और यहाँ पे आ रहा है ये TXT में ओपन हो क्या रहा है। तो अगर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो गाइस यहाँ पे से देख सकते हो ये जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट थे वो सारे यहाँ पे सेव होके आ चुके हैं, यानी कि जितने भी कॉन्टैक्ट थे, जितने भी मोबाइल नंबर थे आपके पास, कितने भी 1000 2000 500 600 जितने भी नंबर हो वो आप यहाँ पे से देख सकते हो सारे यहाँ पे से कॉपी हो चुके आ चुके। अगर आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी आप जाके निकाल सकते हो, या साइबर कैफे वहाँ पे जाके, या जिसके पास भी प्रिंटर हो, अपने दोस्त के पास प्रिंटर हो तो उसके पास जाके आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, यानी कि सारे कॉन्टैक्ट आपको A to Z देखने को मिलेंगे, नाम के साथ आपको उसके सामने मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को और आपको इस तरीके से आपको जो मोबाइल नंबर को सेव करना है। तो वैसे आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से कितना कमाल का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है वो सारी चीज़ें कर लिया, जिससे कि आप जो भी अपने मोबाइल नंबर जितने भी कॉन्टैक्ट हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी एक साथ कॉपी करके रख सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देख लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके ऑल ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।